जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग कल्याण पत्रिका से लिया गया है, जिसमें भगवान विष्णु जी के द्वारा ब्रह्मा जी के प्रति श्री कृष्ण नाम की महिमा। श्वेत द्वीप में परमेश्वर भगवान विष्णु सुखपूर्वक निवास करते थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, ऋषिकेश, आप जगत के आधार हैं, आपके नामों का श्रवण कीर्तन परम पवित्र है, सर्व पापहारी है, आपने पहले ऐसा कहा है, मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम, महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ, अतः उस परम श्रेष्ठ महीने का महात्म क्या है, यह मैं यथार्थ रूप से आपसे जानना चाहता हूँ। इस पर श्री भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से मार्ग शीर्ष महात्म का विस्तार से वर्णन करना प्रारंभ किया। इसी प्रसंग में श्री कृष्ण नाम कीर्तन महिमा का वर्णन करते हुए श्री भगवान बोले, जो हे कृष्ण हे कृष्ण यों कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेदकर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वह अंतकाल में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार करता है, यों विवश होकर भी कहे, तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है, उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई शमशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है, तो वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय न करो, श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींचकर बुझा दिया जाता है। तीखी दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है, श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी है, जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई पाथेय नहीं है। बेटा, जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहाँ गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थ हैं, उसी का जन्म और जीवन सफल है,
तथा उसी का मुख सार्थक है, जिसकी जीभ सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती है। जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष की ओर जाने को कमर कस ली है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी अपवित्र नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। श्री कृष्ण नाम उच्चारण रूपी हितकर शब्दों का कलयुग में त्याग नहीं करता। जो श्री कृष्ण नाम उच्चारण रूपी हितकर शब्दों का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज़ सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके सैकड़ों जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायण और सहस्त्रों पराक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से चला जाता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है। अन्य नामों का करोड़ों बार जप करने से भी मुझे वैसा संतोष कभी नहीं प्राप्त होता। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। जैसे सूर्य किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से बड़े महापातक नष्ट हो जाते हैं। महापापों से युक्त मनुष्य भी अंतकाल में एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो उससे पाप मुक्त हो जाता है। जिसका मन अशुद्ध है, वह सदाचार का पालन न करने पर भी अंतकाल में श्री कृष्ण नाम का उच्चारण कर ले तो प्रेत योनि में नहीं जाता। जो जीव कलिकाल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह दुष्टा मुंह में न रहे रसातल को चली जाए। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करती है, वह जीव अपने मुख में हो या दूसरे के मुख में वंदना करने योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जीभ नहीं मुख में कोई पापमयी लता है, जिसे जिह्वा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपिणी जिह्वा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। जो श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता होता हूँ। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण नाम के महात्म्य का पाठ करता है, वह जीते जी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को और मरने पर परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री राधे।